पीरियड साइकिल का एक समय ऐसा भी होता है जब सेक्स करने पर प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सेफ पीरियड में सेक्स करना भी प्राकृतिक रूप से गर्भ निरोधक का काम करता है। इस सेफ पीरियड का पता लगाने के लिए आपको अपने मासिक धर्म को समझना और सुरक्षित एवं असुरक्षित दिनों को कैलकुलेट करना जरूरी होता है, क्योंकि महिलाओं का मासिक चक्र बदलता रहता है और गलत कैलकुलेशन की वजह से सेफ पीरियड में सेक्स करने से भी गर्भवती होने के चांसेस होते हैं। इसलिए आपको अपने मासिक चक्र को अच्छी तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर भी मैं आपको यहाँ पर कुछ तरीके बता रहा हूँ जिनकी मदद से आप अपने लिए सेफ पीरियड जान सकती हैं। अगर आप सेफ पीरियड में सेक्स के बाद अगर गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करेंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। पीरियड के पहले दिन से लेकर अगले महीने की माहवारी के पहले दिन तक मासिक चक्र को कैलकुलेट किया जाता है। आमतौर पर 28 दिनों की साइकिल होती है और 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है, जिसमें प्रेग्नेंट होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो महिला के शरीर में स्पर्म 3 से 5 दिन तक जिंदा रहता है और अंडा 12 से 24 घंटे तक जिंदा रहता है। इसलिए ओव्यूलेशन के 5 दिन पहले और ओव्यूलेशन वाले दिन कभी भी सेक्स करने से प्रेग्नेंट होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। तो अगर आप अपने मासिक चक्र को सही तरह से कैलकुलेट करती हैं तो अपने लिए सेफ पीरियड को जान सकती हैं। इस दौरान सेक्स करने से आपके गर्भवती होने की संभावना तो कम रहती है, लेकिन फिर भी आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि असुरक्षित यौन संबंध किसी भी प्रकार से सही नहीं है।